क्वेश्चन नंबर वन में डाउट जिन्होंने किया. क्वेश्चन नंबर टू, लॉन्ग सोलेनोइड इज मेड बाय क्लोजली वाइंडिंग अ वायर ऑफ रेडियस 0.5 mm. तो ठीक है, एक लॉन्ग सोलेनोइड है और जिसका जो रेडियस है वो कितना है, जो वायर यूज की उसकी जो रेडियस की वैल्यू है 0.5 mm है. ये 0.5 mm है क्या, ये वायर है. इस वायर का अंदर का क्रॉस सेक्शन रेडियस अंदर का 0.5 mm है, तो इसका डायमीटर क्या होगा, 0.5 mm × 2. तो इसका डायमीटर क्रॉस सेक्शन का बनेगा. जैसे ये वायर है, ये डायमीटर ये रहा, तो ये वायर है, इसका अंदर का डायमीटर कितना है, अंदर का डायमीटर 0.5 mm × 2. क्लियर है यहाँ तक. एक सिलेंडर के ऊपर लपेट दिया ऐसे ताकि जगह ना बचे, बिल्कुल टाइट ऐसे ये लपेट दिया, जगह नहीं है इसमें, ये रही. ठीक है, ये बन गया सोलेनोइड. अब इसकी लंबाई क्या है, एक वायर का डायमीटर देख रहे हो, ये डायमीटर था डी, तो ये एक वायर का डायमीटर यहां से भी क्या आएगा, डी. नेक्स्ट का क्या आएगा, डी. ऐसे मान लो 10 टर्न्स हैं, तो टोटल लेंथ क्या हो गई, एक टर्न की लेंथ ऐसे डी है, तो 10 एन टर्न्स की क्या है, n × d है, तो लंबाई आ गई इसकी, क्योंकि वगैरह गैप तो है नहीं बीच में, तो यही इसकी लंबाई हो जाएगी पूरी. तो एक टर्न की थिकनेस अगर डी है, डायमीटर जितनी है, तो एन टर्न्स है, तो n × d है. राइट, क्लियर है यहां तक. और नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा, एन, नंबर ऑफ टर्न्स एन डिवाइडेड बाय पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या है, डी इंटू एन, तो क्या बनेगा, 1/d. तो ये समझ में आया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में 1/d क्यों यूज किया. क्लियर है यहां तक, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में 1/d क्यों यूज किया. क्लियर है, बस हो गया सॉल्व, बाकी तो गिवन ही है, b इज म्यू नॉट एन आई, प्रॉब्लम नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ की थी, पुट करके आंसर डन. ठीक है यहां तक, यही इसमें ट्रिक था. तो ऑनलाइन क्लियर है यहां तक, क्या ट्रिक है इसमें. यस यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट. फोर्थ का सेकंड पार्ट नहीं करना अभी, फ्लक्स का टॉपिक है, अगले चैप्टर में आएगा, अभी नहीं करना, छोड़ दें. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट. क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर डिस्कस करना चाहता हूं. 6 क्वेश्चन के अंदर एक टोरॉइड है, एक टोरॉइड है, इसका अंदर का रेडियस और बाहर का रेडियस अलग अलग गिवन है. अंदर और बाहर का रेडियस क्या होता है, ये रेडियस बाहर का रेडियस है ये वाला, और ये रेडियस अंदर का रेडियस है ये वाला, अंदर का रेडियस बाहर का रेडियस. और जबकि जब हम टोरॉइड करते हैं उसमें रेडियस एक ही यूज करते हैं, डेरिवेशन याद करो बस ये वाला आर, और कुछ नहीं करते, जो एग्जैक्टली इसके एक्सिस में से पास करता है वो रेडियस लेते हैं हम. ऐसे ही होता है, क्योंकि हम बी कहां निकालते हैं, एक्सिस पे, तो सर्कल भी कहां से निकलेगा, एक्सिस से. एक्सिस कहां पर होगा, सेंटर से. तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स को किस लेंथ से डिवाइड करते हैं, 2πr. फिर r क्या लेना होता है, वो सर्कल का रेडियस जो सेंटर से पास कर रहा है. प्रॉब्लम ये है कि मेरे क्वेश्चन में दो रेडियस गिवन है, एक r2 भी गिवन है और एक r1 भी गिवन है, पर मुझे चाहिए ही नहीं. मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए जो रेडियस कहां से पास कर रहा है, एग्जैक्टली इसके सेंटर से. तो रूल नंबर 1, आप क्या करेंगे, जब आउटर एंड इनर रेडियस गिवन है तो आप सबसे पहले एवरेज रेडियस निकालेंगे, ना बाहर का ना अंदर का, बीच का. तो पहला स्टेप एवरेज रेडियस निकालेंगे, जो कि क्या बनेगा इसमें, r1 + r2 / 2. कोई डाउट इसमें, r आ गया यहां पर, तो r की वैल्यू आप यहां पर क्या पुट करेंगे, r की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर r1 + r2 / 2. राइट, हाँ, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि अगर आपके पास ये टोरॉइड है, r रेडियस आपने निकाल लिया, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होंगे, n / 2πr. तो यहां से नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाल लेना, तो b का फॉर्मूला म्यूनिट ni पुट कर लेना, करंट तो आपको पता ही है, म्यूनिट ni में n क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ में 2πr. तो हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, कोई डाउट इसमें. नेक्स्ट, आउटसाइड द टोरॉइड तो पता ही है कि b 0 होगा, बात ही खत्म है, और एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग दी टोरॉइड में भी 0 होता है, एक्सिस पे ही होता है, सारा बीच होगा उसके एक्सिस पे होगा. क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, डाउट है, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ रेडियस 4 cm, एक लॉन्ग का मतलब बहुत बड़े कंडक्टर है और रेडियस इसका कितना है,
चार सेंटीमीटर रेडियस है। इसके अंदर जो करंट है वो कितने है, वो 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर करंट है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ कंडक्टर, तो इसके एक्सिस से 3 सेंटीमीटर पर आपको बी निकालना है क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, ड्रॉ अ सर्कल। तो एम्पियर सर्किटल लॉ, बी इंटू 2π × 3×10⁻², 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स कितना करंट इसमें से पास कर रहे है, इस पोर्शन से I डैश। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर का रेडियस है तो एरिया क्या बनेगा, पाई इंटू 4×10⁻²² का स्क्वायर, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, 2 एम्पियर। अगर 1 होगा तो 2 ÷ π × 4×10⁻²² का होल स्क्वायर, और अगर एरिया क्या होगा, पाई इंटू 3×10⁻²² का स्क्वायर, तो करंट क्या होगा, 2 π × 4×10⁻²² का स्क्वायर × π × 3×10⁻²² का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, I डैश, पुट कर लेना, बी आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है? आप इस क्वेश्चन को शॉर्टकट भी लगा सकते हैं, बी का फॉर्मूला इनसाइड अ वायर हमने ACL एम्पियर सर्किटल लॉ की 5th या 4th एप्लीकेशन में किया था। मैंने आपको फॉर्मूला बुकलेट में बी इनसाइड भी लिखवाया हुआ है, बी आउटसाइड लिखवाया हुआ है, बी इनसाइड का फॉर्मूला डायरेक्टली का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट इसमें? 7th, ओके, ये शीट खत्म।